19 में घटना घटी। हाँ गड़बड़ी हुई भाई, रोड हुई। मैं आपके बीच में देखो भाई, हजारों लोग बैठे हैं यहाँ, आपके हाजिरी में एक बात कहना चाहता हूँ। हुड्डा साहब, अगर दीपेंद्र हुड्डा दोबारा गिनती की दरखास्त दे देता, 6 घंटे में गिनती होती और 6 घंटे में लाखों ट्रैक्टर लोग रोहतक में पहुंच जाते। इतना बड़ा वहां अगर कुछ बात हो जाती, बहुत गरीब मारकाट होती। लेकिन थारा बेटा इकलाल इस मारकाट को बचाने के लिए अपने सीने में अपनी हार को छिपाकर गर्दन तले ने नीचे ली, जो है हॉल से निकलाया और मारकाट से इस इलाके को बचा लिया। एक बहुत बड़ा उस सपूत को जो है एक बार पूरी तालियों के गिड़ा गिरा से भाई। ये इतिहास में ये बात दर्ज की जाएगी कि इतना बड़ा जो घटना की दोनों बचाया, ऐसे सपूत कभी कभी जन्म लेते हैं भाई। वो हरियाणा के अंदर कौन सा माहौल पैदा करना चाहते हैं, उनको पहचानो, उनको उजागर करो, उनको नंगा करो इस बात के लिए किस तरह का माहौल वो हरियाणा में क्रिएट करना चाहते हैं। कितनी बड़ी स्टेटमेंट है, कितनी बड़ी रघुवीर कादियान की स्टेटमेंट है कि अगर दोबारा से काउंटिंग हो जाती तो ट्रैक्टरों में भर के लोग आते और मार काट हो जाती। कितना बड़ा स्टेटमेंट, कौन क्या समझाना चाहता है। हुड्डा साहब, अगर दीपेंद्र हुड्डा दोबारा गिनती की दरखास्त दे देता, 6 घंटे में गिनती होती और 6 घंटे में लाखों ट्रैक्टर लोग रोहतक में पहुंच जाते। इतना बड़ा वहां अगर कुछ बात हो जाती, बहुत गरीब मारकाट होती। लेकिन थारा बेटा इकलाल इस मारकाट को बचाने के लिए अपने सीने में अपनी हार को छिपाकर गर्दन तले ने नीचे ली, जो है हॉल से निकलाया और मारकाट से इस इलाके को बचा लिया। एक बहुत बड़ा उस सपूत को जो है एक बार पूरी तालियों के गिड़ा गिरा से भाई। ये इतिहास में ये बात दर्ज की जाएगी कि इतना बड़ा जो घटना की दोनों बचाया, ऐसे सपूत कभी कभी जन्म लेते हैं भाई। जो मुख्यमंत्री है ना नायब सिंह सैनी, उनकी लहर, अरे तो नाम का मुख्यमंत्री भाई, डमी मुख्यमंत्री है, इसके बस का कुछ नहीं है। नायब सैनी को बताते हैं मुख्यमंत्री डमी है, इनके नेता बताते हैं, अरे शर्म आनी चाहिए। जो मुख्यमंत्री है ना नायब सिंह सैनी, उनकी लहर, अरे तो नाम का मुख्यमंत्री भाई, डमी मुख्यमंत्री है, इसके बस का कुछ नहीं है। नायब सैनी को बताते हैं मुख्यमंत्री डमी है, इनके नेता बताते हैं, अरे शर्म आनी चाहिए। अगर दीपेंद्र हुड्डा दोबारा गिनती की दरखास्त दे देता, 6 घंटे में गिनती होती और 6 घंटे में लाखों ट्रैक्टर लोग रोहतक में पहुंच जाते। इतना बड़ा वहां अगर कुछ बात हो जाती, बहुत गरीब मारकाट होती। लेकिन थारा बेटा इकलाल इस मारकाट को बचाने के लिए अपने सीने में अपनी हार को छिपाकर गर्दन तले ने नीचे ली, जो है हॉल से निकलाया और मारकाट से इस इलाके को बचा लिया। एक बहुत बड़ा उस सपूत को जो है एक बार पूरी तालियों के गिड़ा गिरा से भाई। ये इतिहास में ये बात दर्ज की जाएगी कि इतना बड़ा जो घटना की दोनों बचाया, ऐसे सपूत कभी कभी जन्म लेते हैं भाई। क्या समझाना चाहता है, अपने लोग इकट्ठा कर दिए, अपने लोगों को उंगली लगा लगा करके, भाड़े के लोग इकट्ठा कर करके लोग गांव में भेज रहे हैं, जहां हम जाते हैं विरोध करें अपने गांव में भेज भेज करके अपने लोगों को। ये क्या दिखाना चाहते हैं, कौन सा माहौल बनाना चाहते हैं, लोगों के हाथ में पत्थर ईंटें लाठियां उनके हाथ में होती हैं, इस तरह का माहौल हरियाणा के अंदर ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं। इनका पेट नहीं भरा अभी तक कि किस तरह का माहौल बनाना चाहते हैं। आरक्षण में इन्होंने क्या किया, कोविड में तो कहीं नजर नहीं आए, आरक्षण में इन्होंने क्या किया, इस तरह का माहौल लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सरकार मोदी जी की सरकार है। जो मुख्यमंत्री है ना नायब सिंह सैनी, उनकी लहर, अरे तो नाम का मुख्यमंत्री भाई, डमी मुख्यमंत्री है, इसके बस का कुछ नहीं है। नायब सैनी को बताते हैं मुख्यमंत्री डमी है, इनके नेता बताते हैं, अरे शर्म आनी चाहिए।
बैकवर्ड क्लास का मुख्यमंत्री, लोगों को 36 बरादरी ने उसको मान लिया है और इतनी अच्छी तरह से 24 घंटे में से 20 घंटे काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ मिलकर के आप देखेंगे कि पूरा 36 बरादरी कमल का फूल खिलाएगी। धन्यवाद। 19 में घटना घटी, हाँ गड़बड़ी हुई भाई, रोड हुई। मैं आपके बीच में देखो भाई, हजारों लोग बैठे हैं यहाँ, आपकी हाजिरी में एक बात कहना चाहता हूँ। हुड्डा साहब, अगर दीपेंद्र हुड्डा दोबारा गिनती की दरखास्त दे देता, 6 घंटे में गिनती होती और 6 घंटे में लाखों ट्रैक्टर लोग रोहतक में पहुंच जाते। इतना बड़ा वहां अगर कुछ बात हो जाती, बहुत गरीब मारकाट होती। लेकिन थारा बेटा इकलाल इस मारकाट को बचाने के लिए अपने सीने में अपनी हार को छिपाकर गर्दन तले ने नीचे ली, जो है हॉल से निकलाया और मारकाट से इस इलाके को बचा लिया। एक बहुत बड़ा उस सपूत को जो है एक बार पूरी तालियों के गिड़ा गिड़ा से भाई, ये इतिहास में ये बात दर्ज की जाएगी कि इतना बड़ा जो घटना की दोनों बचाया, ऐसे सपूत कभी कभी जन्म लेते हैं भाई। वो हरियाणा के अंदर कौन सा माहौल पैदा करना चाहते हैं, उनको पहचानो, उनको उजागर करो, उनको नंगा करो इस बात के लिए किस तरह का माहौल वो हरियाणा में क्रिएट करना चाहते हैं। कितनी बड़ी स्टेटमेंट है, कितनी बड़ी रघुवीर कादियान की स्टेटमेंट है कि अगर दोबारा से काउंटिंग हो जाती तो ट्रैक्टरों में भर के लोग आते और मार काट हो जाती। कितना बड़ा स्टेटमेंट, कौन क्या समझाना चाहता है। हुड्डा साहब, अगर दीपेंद्र हुड्डा दोबारा गिनती की दरखास्त दे देता, 6 घंटे में गिनती होती और 6 घंटे में लाखों ट्रैक्टर लोग रोहतक में पहुंच जाते। इतना बड़ा वहां अगर कुछ बात हो जाती, बहुत गरीब मारकाट होती। लेकिन थारा बेटा इकलाल इस मारकाट को बचाने के लिए अपने सीने में अपनी हार को छिपाकर गर्दन तले ने नीचे ली, जो है हॉल से निकलाया और मारकाट से इस इलाके को बचा लिया। एक बहुत बड़ा उस सपूत को जो है एक बार पूरी तालियों के गिड़ा गिड़ा से भाई, ये इतिहास में ये बात दर्ज की जाएगी कि इतना बड़ा जो घटना की दोनों बचाया, ऐसे सपूत कभी कभी जन्म लेते हैं भाई। जो मुख्यमंत्री है ना नायब सिंह सैनी उनकी लड़, अरे ये तो नाम का मुख्यमंत्री भाई, डमी मुख्यमंत्री है, इसके बस का कुछ नहीं है। नायब सैनी को बताते हैं मुख्यमंत्री डमी है, इनके नेता बताते हैं, अरे शर्म आनी चाहिए। जो मुख्यमंत्री है ना नायब सिंह सैनी उनकी लड़, अरे ये तो नाम का मुख्यमंत्री भाई, डमी मुख्यमंत्री है, इसके बस का कुछ नहीं है। नायब सैनी को बताते हैं मुख्यमंत्री डम्मी है, इनके नेता बताते हैं, अरे शर्म आनी चाहिए। अगर दीपेंद्र हुड्डा दोबारा गिनती की दरखास्त दे देता, 6 घंटे में गिनती होती और 6 घंटे में लाखों ट्रैक्टर लोग रोहतक में पहुंच जाते। इतना बड़ा वहां अगर कुछ बात हो जाती, बहुत गरीब मारकाट होती। लेकिन थारा बेटा इकलाल इस मारकाट को बचाने के लिए अपने सीने में अपनी हार को छिपाकर गर्दन तले ने नीचे ली, जो है हॉल से निकलाया और मारकाट से इस इलाके को बचा लिया। एक बहुत बड़ा उस सपूत को जो है एक बार पूरी तालियों के गिड़ा गिड़ा से भाई, ये इतिहास में ये बात दर्ज की जाएगी कि इतना बड़ा जो घटना की दोनों बचाया, ऐसे सपूत कभी कभी जन्म लेते हैं भाई। क्या समझाना चाहता है, अपने लोग इकट्ठा कर दिए, अपने लोगों को उंगली लगा लगा करके भाड़े के लोग इकट्ठा कर करके लोग गांव में भेज रहे हैं, जहां हम जाते हैं विरोध करें अपने गांव में भेज भेज करके अपने लोगों को। ये क्या दिखाना चाहते हैं, कौन सा माहौल बनाना चाहते हैं, लोगों के हाथ में पत्थर ईंटें लाठियां उनके हाथ में होती हैं, इस तरह का माहौल हरियाणा के अंदर ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं। इनका पेट नहीं भरा अभी तक, कि किस तरह का माहौल बनाना चाहते हैं। आरक्षण में इन्होंने क्या किया, कोविड में तो कहीं नजर नहीं आए, आरक्षण में इन्होंने क्या किया। इस तरह का माहौल लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये सरकार मोदी जी की सरकार है।
जो मुख्यमंत्री है ना नायब सिंह सैनी उनकी लड़, अरे ये तो नाम का मुख्यमंत्री भाई, डमी मुख्यमंत्री है, इसके बस का कुछ नहीं है। नायब सैनी को बताते हैं मुख्यमंत्री डमी है, इनके नेता बताते हैं, अरे शर्म आनी चाहिए, बैकवर्ड क्लास का मुख्यमंत्री, लोगों को 36 बिरादरी ने उसको मान लिया है और इतनी अच्छी तरह से 24 घंटे में से 20 घंटे काम कर रहा है। ऐसे लोगों के साथ मिलकर के आप देखेंगे कि पूरा 36 बिरादरी कमल का फूल खिलाएगी। धन्यवाद।